वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो हम लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम है शिमला आलू। शिमला आलू जो होता है, नॉर्मली बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट सी बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं। रेसिपी को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें वॉच। देखते रहे हमारा चैनल फेमस फूड। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। शिमला आलू बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ पर आधा किलो ले लिए हैं शिमला और 1 पाव मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आलू, और दोनों को मैंने क्यूब शेप में कर लिया है कटिंग। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और 6 अदद मैंने यहाँ पर ले लिए हरी मिर्चें बड़ी वाली, और यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियानी साइज के टमाटर ले लिए थे, उसको मैंने क्यूब शेप में कर लिया है कटिंग। साथ ही यहाँ जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने स्पाइसेस के अंदर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है साबुत सफ़ेद जीरा, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी पिसा हुआ भुना हुआ जीरा जिसको मैंने पाउडर शेप में कन्वर्ट कर लिया है। साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करनी है साबुत काली मिर्चें, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी पिसा हुआ गर्म मसाला। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं और ये जो स्पाइसेस हैं, ये हमें रिक्वायर्ड हैं शिमला आलू बनाने के लिए। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ और इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पोट ले लिया है, और पोट में मैंने 1/2 कप डाला है ऑयल, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी ऑयल डालने के बाद साबुत काले मिर्चें 1/4 टीस्पून जो मैंने यहाँ पर इसमें आपको दिखाई थी। बिल्कुल लाइट से इसमें स्पाइसेस जलती हैं, बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी ये जीरा जो आप देख रहे हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसको कर लूंगी अच्छी तरह कुक। यहाँ मैंने जीरा और जो साबुत काले मिर्च डालती है इसको मैंने अच्छी तरह कुक कर लिया है। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, देन अगेन मैं इसको कर लूंगी कुक। यहाँ मैंने अदरक लहसुन डालकर इसको अच्छी तरह कर लिया है कुक। अब इसमें सारे स्पाइसेस शामिल कर दूंगी, लाइक इसमें मैंने इसमें शामिल करना है गर्म मसाला, पिसा हुआ जीरा जिसको मैंने अच्छी तरह पाउडर शेप में कन्वर्ट कर लेता, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी नमक, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मैंने इसमें ऐड करने और इसको अच्छी तरह अगेन 2 मिनट तक कर लेना है कुक। यहाँ मैंने सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह कुक कर लिया। साथ ही मैं इसमें शामिल कर लूंगी टमाटर जो कि मैंने यहाँ पर क्यूब शेप में कटिंग कर ली थी। अब मैंने इसको इतना कुक करना है कि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छी तरह हो गए हैं सॉफ्ट, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी क्यूब शेप में जो मैंने कटिंग कर लिए थे आलू, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसमें शामिल करूंगी ये जो मैंने शिमला मिर्च को क्यूब शेप में लिया था वो मैंने इसमें डाल दिए। तो मैं इसको अच्छी तरह यहाँ मिक्स कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 1 गिलास पानी। यहाँ मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, और क्योंकि सब्जी में पानी बहुत कम डालता है तो मैंने यहाँ पर जस्ट 1 गिलास पानी डाला है ताकि हमारे जो आलू और शिमला है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। मैंने यहाँ पर 1 गिलास ऐसा पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए ताकि हमारे जो आलू और जो शिमला है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। और लास्ट में इसको दम पर रखने से पहले इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और ये भी इसमें अच्छी तरह कुक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने जो इसमें पानी डाला था वो अच्छी तरह ड्राई हो गया है, और अब मैंने इसको भूनना है तो मैं इसको अच्छी तरह भून लूंगी और फिर इसको मैं कर लूंगी डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हमारा मज़ेदार सा शिमला आलू हो गया है कम्प्लीटली रेडी। मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया था और अब मैंने इसको कर लिया है डिश आउट, और बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही जूसी, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया है बहुत ही कम मसालों के साथ, और बहुत ही टेस्टी है ये। यकीनन आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।